नेत्र बंद कर लें, कमर सीधी कर लें, भावना करें हमारा मन शांत हो रहा है। बार बार इस चीज को रिपीट करें, हम शांत होना चाहते हैं, हम बिल्कुल शांत होना चाहते हैं, हमारा मन स्थिर हो रहा है, हमारा चित्त स्थिर हो रहा है, बिल्कुल शांत हो रहे हैं। ऐसी भावना करें हमारा पूरा शरीर स्थिर हो रहा है, स्थिर हो रहा है, पांव से लेके मस्तिष्क तक पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो रहा है, स्थिर हो रहा है, शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत। अभी हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, हम बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। ना अभी पढ़ने का कोई समस्या है, ना कोई टेंशन है, ना घर का टेंशन है, ना समाज का टेंशन है, हम बिल्कुल शांत हो रहे हैं। इस भावना में डूबते हुए एक बार ध्यान करें उस सविता देवता का, उस स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें, जो स्वर्णिम सूर्य हिमालय से निकल रही है और वो हिमालय बर्फ से आच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है। वो स्वर्णिम सूर्य, वो सुबह का सूर्य, उसकी किरणें हमारे शरीर पे पड़ रही है, हमारे रोम रोम में फैल रही है, हमारे कण कण में फैल रही है। उस सूर्य के प्रकाश से हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कसाई कलमस हैं, वो सब दूर हो रहे हैं, हमारा पूरा शरीर प्रकाशवान हो रहा है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। इस सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर भी एक छोटा सा सूर्य का प्रतिबिंब बन रहा है, हमारे शरीर से प्रकाश निकल रहा है, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। इस भावना में डूबते हुए उस गायत्री का ध्यान करें, जो गायत्री हमारे बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर रही है, अच्छे दिशाओं की ओर ले जा रही है, हमारे अंदर के दुर्गुणों को दूर कर रही है। इस भावना में डूबते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ, ओ भाइयों हम लोगों का जीवन का हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। अभी हमारे ललन जी बता रहे थे आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, तो हम सभी का उद्देश्य होता है कि साहब हमारा जीवन शानदार बने, हमारा जीवन अच्छा बने, हमारा जीवन सफल हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि साहब आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप क्यों जीना चाहते हैं, तो आप क्या रिप्लाई कीजिएगा? आप रिप्लाई कीजिएगा कि हम नौकरी के लिए जीना चाहते हैं, हम कैसे भी नौकरी एक मिल जाए तो हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, है ना? हमारा सोच जो है कुछ इस टाइप से है कि हम जो है साहब नौकर बनना चाहते हैं, हमको लगता है कि कैसे भी हमको नौकरी मिल जाए हमारे जीवन का समस्या का समाधान हो जाए, यही लगता है। गुरुदेव का एक सुन रहे थे हम, किस्पीच सुन रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि हमारा जो जीवन है
वो कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है, कभी इसके बारे में थिंकिंग किए हैं आप लोग, कभी सोचे हैं? हमको क्या लगता है कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है साहब, हमको एक जिंदगी मिल गया, किसी तरह से नौकरी कर लेंगे, कैसे भी जो है जीवन काट लेंगे। हमको बहुत दुख होता है जब आज के युवाओं से मिलते हैं, मुखर्जी नगर में मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो पहले आते थे, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो देखते हैं बहुत दर्द में है, बहुत पीड़ा में है, क्या चल रहा है, तो भैया बहुत कष्ट में है, बहुत समस्या में है, किसी तरह से जो है जीवन काट रहे हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो इतना कीमती जीवन मिला है, इतना बहुमूल्य जीवन मिला है, क्या उसको हम जानते हैं? क्या कभी हम थिंकिंग करते हैं इसके बारे में कि हमारे पास कितना बड़ा कितना कीमती चीज है हमारे पास? इस पे हम लोग कभी थिंकिंग नहीं करते। अगर आप देखिएगा, अगर दूसरे प्राणी से आप तुलना कीजिए तो देखिए कि हमको कितनी सारी सुविधाएं मिली हुई, हमको सोचने का शक्ति मिला होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको इतनी सारी सुविधाएं मिली हुई है ना, बाहर में जो है अन्य प्राणियों को कुछ नहीं मिला हुआ है, हमको सारी सुविधाएं, एसी मिला हुआ है, पूरा कूल, गर्मी है, फिर भी जो है एकदम मजे में एकदम हम लोग बैठे हुए, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, एकदम मजे में है। जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा चीज हो सकता है, हम लोगों को मिला हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा सोच कैसा है? हमारा सोच है कि किसी तरीके से हमको नौकरी मिल जाए, हमारा समस्या का समाधान। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी मत कीजिए, हम उस सोच की बात कर रहे हैं कि हम मालिक क्यों नहीं बनना चाहते, हम मालिक क्यों नहीं बनना चाहते हैं। आज के युवाओं का सबसे बड़ा दुर्दशा यही है। आज जो है युवा किसको वो कहते हैं, कितने एज के बीच को युवा कहते हैं? आज जो भारत सरकार का ये आता है, आपका डेटा आता है कि आज हमारे यहाँ 65% युवा है, उसका एज का क्या ड्यूरेशन रहता है? 15 से 35 रहता है ना, 15 से 35 का एज है, और हम कहते हैं कि हमारे पास युवा है 15 से 35 का। लेकिन उन युवाओं का हालत बहुत खराब है। बस युवा किसको कहते हैं, अभी ललन जी भी आप लोगों से चर्चा कर रहे थे। देखिए साहब, ये तीन चीज आज समझ के जाइए आप लोग। ये समय चला गया ना आपके हाथ से, कौन सा समय? यही समय, युवापन वाला समय चला गया, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि आपकी आपका नौकरी मिल जाता है और आपका शादी हो जाता है तो आपका जीवन थम सा जाता है, गलत तो नहीं बोल रहे? वही आपका जीवन कॉन्स्टेंट हो जाता है। अगर आपको सरकारी नौकरी मिल गया तब तो वही आप निश्चिंत हो जाते हैं कि वाह, महीने महीने हमको तनख्वाह आता रहे, अपना जो है किसी तरीके से जो है अपना जीवन काट लेंगे और राम नाम सत्य कर लेंगे और निकल लेंगे, यही सोच है हमारा, है कि नहीं? मतलब हमारा बस सीमित सा सोच है कि कैसे भी जो है अपना जीवन काट लेंगे और निकल लेंगे। और यही जो है, कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपने जवानी को जो है साबित करके गए हैं। मतलब जब हम लोग कल्पना कीजिए कि जब हम यहाँ से जाएंगे, जाना है कि नहीं जाना है, एक दिन तो सबको जाना है, जाएंगे तो ऐसा होना चाहिए ना कि दुनिया को पता चले कि कोई शेर आया था, वो जो है क्रांति करके चला गया, भले मर मिट गया लेकिन वो जो है एक ऐसा समाज बना करके चला गया कि दुनिया याद रखेगा उसको। लेकिन आज हमारा स्थिति कुछ और है। हमारे पास बहुत शक्ति है, युवाओं के पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को पहचान नहीं रहे। युवाओं का तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहला चीज है कि हमारा शारीरिक रूप से हम सही होने चाहिए, शारीरिक रूप से है सही, शारीरिक रूप से नहीं भैया, हम तो बिल्कुल फिट है, एकदम एकदम जो है फर्स्ट क्लास जो है, जींस पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, डीओ लगा के आते हैं, आप लोग तो ठीक लग रहे हैं। नहीं तो देखते हैं, हम अपनी कंपनी में भी जाते हैं तो बहुत सारा आइटम सब है एकदम, आज तो कल हम देखे बड़ा इंटरेस्टिंग देखे कि आज तक तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के कल लुक बना करके आता था, लेकिन एक हमारा जो जूनियर था एक, उसको वो आया कुछ पूछने के लिए तो उसका चेहरा देख के हम घबरा गए एकदम। तो हम बोले बैठो बैठो बैठो, तुमसे बहुत काम है। तो हम एक बात बताओ कि उसका दाढ़ी जो था यहाँ से निकला और यहाँ से निकला और यहाँ जाके रुक गया, यहाँ जाके रुक गया। हम आज तक देखते थे कि यहाँ से आता था, लेकिन यहाँ कल के नहीं समझे बोले ना, हम लोग काम समझ में आता है। तो बोले कि दुनिया से अलग चलना है, लेकिन तब आपको दुनिया रिकॉग्नाइज करेगी। तो बोले बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो आज के युवाओं का जो ये हुआ ना, वो उन्हें कहते हैं कि वो ये हो जाता है, मैं छिप्त हो जाता है, मेंटल हो जाता है, वो आज स्थिति हो गया।
आज जो है स्थिति बहुत दुर्दिन हो गया है आज के युवाओं को कि हमको बुद्धि कहाँ लगाना है और हम बुद्धि कहाँ लगा रहे हैं। पहला चीज जो युवाओं में होना चाहिए कि वो शारीरिक रूप से हम सही होने चाहिए, शारीरिक रूप से सही होने चाहिए। आज क्या स्थिति है युवाओं का, आज भले ही जो है बिल्कुल एकदम टाइट टाइट रहेंगे, टाइट फिटिंग रहेंगे, पूरा जो है क्या बोलते हैं, मतलब कि युवा मतलब लड़का लड़की दोनों आता है कि नहीं, युवाओं का हाल देख ही रहे हैं, आज के लड़के लड़कियों का हाल देख ही रहे हैं, शारीरिक रूप से क्या हाल है। बाहर से तो आपको दिखाएंगे कि हम जिम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन एक बार ढंग से उसको हम धक्का मार दे तो डायरेक्ट नाला में जाकर गिर जाएगा, मतलब हालत बहुत खराब है। क्यों हालत खराब है, युवा कौन होता है, युवा जो है, युवा देखिए हमारे इतिहास में विवेकानंद को देखिए, चेहरे पे क्या चमक था, मतलब आपका आंख देख ले वो तो लगे कि नहीं साहब कोई साधारण व्यक्ति से हम बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी को कभी देखे हैं बूढ़े टाइप से फोटो देखे हैं कभी, वो हमेशा युवा रहे। भीष्म को देखिए हमेशा युवा रहे, महर्षि दयानंद को देखिए हमेशा युवा रहे, हमारे मिशन में चिन्मय पांड्या को देखिए जाकर के पता चलेगा, क्लास हम लोगों को मिलेगा इस बार शांति कुंज में। तो युवा का मतलब वो होता है कि कोई बात करे ना तो लगे कि अरे साहब हम किससे बात किए हैं। तो शारीरिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। तो शारीरिक रूप से हम क्या मजबूत होने की बात कर रहे हैं, शारीरिक रूप से ये कह रहे हैं कि हमारी जो अंदर की स्थिति है ना वो बहुत दयनीय है। वो क्या दयनीय है कि अभी तो जाएंगे तो देखिएगा कि बहुत श्रद्धा दिखाएंगे, आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि वो आएंगे और आने के बाद जो है कहेंगे बहुत श्रद्धा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अंदर में उसका हालत बहुत खराब है। युवा है तो सबसे पहला प्रायोरिटी जो है आपका वो ये होना चाहिए कि आप जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य जो है बहुत ताकतवर चीज है, आपको पता ही नहीं है इसके बारे में। आज हमारे पास दिक्कत क्या है, आज दिक्कत ये है कि मन में जो है एकदम सोच रहे हैं, शाम में घूम रहे हैं, जी से लार टपक रहा है कि ओह हमारी भी गर्लफ्रेंड हो जाती तो मजा आ जाता। आज जो है ना एक नया फैशन चला है ये, और कोई बाहर से आता है दोस्त तो उससे पूछता है कि घूमने वाला जगह बताओ तो बोलता है सीपी बड़ा अच्छा जगह है, घूमे कि नहीं घूमे, नहीं बोला क्या है कि जा करके देखो पता चले। आप सीपी में जा रहे हैं तो वहां होर लगा हुआ है लड़के लड़कियों का, आप जाके देखिए, मतलब हम भी गए हैं वहां, कभी कभी ऐसा होता है हमको वेट करना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है तो हमको टाइम मिलता है तो वहां जाकर के वेट करते हैं हम सीपी में, तो बहुत दुख होता है हमको कि इन लोगों का स्थिति कितना जर्जर है, मतलब आज हम क्या से क्या कर सकते हैं, वो किसमें फंसे हुए हैं। वो वहां देखिए आप जाकर के तो वहां लड़का लड़की बैठे हुए हैं, पता नहीं किस रूप में बैठे हुए हैं, कभी मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, कभी सेल्फी ले रहे हैं ऐसे टेढ़ा करके, कभी ऐसे टेढ़ा करके सेल्फी ले रहे हैं, और उसको लग रहा है कि साहब जो है यही जीवन है, यही जीवन है हमारा, मतलब अपना जो हमारा शरीर का सार तत्व है ना उसको हम बर्बाद किए हुए हैं। आज आप देख लीजिए कि अगर आपके पास अगर वीर की ताकत है तो आप देखेंगे बहुत ऊर्जा रहेगा आपके अंदर। आज इतिहास पलट करके देख लीजिए, इनका नाम सुने हैं आप, महर्षि दयानंद का नाम, कौन थे महर्षि दयानंद, आर्य समाज के संस्थापक थे। तो महर्षि दयानंद जो थे, एक बार क्या हुआ कि दो भैंसा लड़ रहा था, भैंसा देखती है कैसा होता है, आता है तो कैसे जो है तो भागते हैं वहां से छोड़ करके, भागो यहां से जान बचाओ नहीं तो कहीं आ गए फाइट पे तो उठा कर फेंक देंगे, है ना। महर्षि दयानंद को देखिए, वो भी युवा थे, तो दोनों लड़ रहा था तो वो आए और पकड़ के एक भैंसा को ऐसा पकड़ा, एक भैंसा को ऐसा, दोनों को उठा के फेंक दिया, एक उधर फेंक दिया एक उधर फेंक दिया, बताइए कौन सा ताकत था ये, ये ब्रह्मचर्य का ताकत था। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति है। आप भीष्म को देखिए, भीष्म पितामह जो थे, मतलब जैसे हम लोगों का कमांड है क्या अपने प्राण पे कि कब चला जाए कोई ठीक नहीं, लेकिन उनको देखिए कि वो बोले कि समय अभी ठीक नहीं है इसलिए हम जो है अपने प्राण को छोड़ेंगे अपने अनुसार, 30 दिन के बाद वो समय ठीक आएगा उसके बाद हम छोड़ेंगे। बहुत ताकतवर थे, बहुत क्षमतावान थे। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी जो है पूरे का पूरे पहाड़ उठा करके लेके आ गए थे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरे ब्रह्मचर्य हो जाइए पूरे तरीके से, लेकिन ब्रह्मचर्य का भी गुरुदेव ने लिखा है कि गृहस्थ जीवन में भी एक अलग है ब्रह्मचर्य का मतलब, और स्टूडेंट लाइफ में भी एक अलग है ब्रह्मचर्य का मतलब।
लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या है कि हमारा मन जो है ना हमेशा, मतलब अगर देखा जाए तो 75% हमारे 75% टाइम में यही सब चलता रहता है। अगर आप वीर क्यों नहीं बचा पाए तो आप समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। उसको बचाने, उसको अगर बचाए रखिएगा तो आप देखिएगा कि अंदर से ऊर्जा महसूस करिएगा, अंदर से ताकत महसूस करिएगा, आपकी मेमोरी पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप देखेंगे कि आप पढ़ने में भी मन लग रहा है, सारा चीज जो है जो भी काम कर रहे हैं उसमें फोकस होकर काम कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मचर्य जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ब्रह्मचर्य ऐसे नहीं सदता है, ब्रह्मचर्य के लिए खान पान ठीक करना होता है। ये जो थे गांधी जी थे, तो गांधी जी कितना सामान्य से व्यक्ति थे, अगर आप लोग बायोग्राफी उनका पढ़े होंगे तो बहुत सामान्य से व्यक्ति थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं साहब हमको काम बहुत बड़ा करना है। और देखिए उनके पास भी दो ऑप्शन था, एक तो था कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए और किसी तरह से अपना जीवन काट लेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ आए हैं यूपीएससी का तैयारी करने के लिए, उसी तरह वो भी कहाँ गए थे, लंदन गए थे, क्या पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए गए थे। तो उस इस समय आईएएस का बहुत क्रेज है, आईएएस का, डॉक्टर का, इंजीनियर का। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसी समय से चर्चा होने लगता है, बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे। उसी तरह से उस समय भी ऐसा क्रेज था कि बोलते थे कि हम अपने बेटे को बैरिस्टर बनाएंगे। अब उतना वकील वगैरह का क्रेज नहीं रहा, क्योंकि छाता लेके बैठा रहता है लाइसेंस ऑफिस में, देखते हैं कि नहीं, छाता और एगो जो है अटैची लेके बैठा रहता है और कोई आता है तो दौड़ते रहता है उसके पीछे, उतना क्रेज अब नहीं रहा। लेकिन उस समय बहुत क्रेज हुआ करता था, लेकिन जज वगैरह का तो अभी भी बहुत क्रेज है। तो उनका भी उद्देश्य था कि ठीक है हम जीवन काट सकते हैं, लेकिन उन्होंने चुना कि नहीं साहब हमारा जन्म हुआ है, हमारा जीवन बहुत कीमती है, हम जो है कुछ अलग करके जाएंगे। अलग करके जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम में और उनमें कोई बहुत गैप था, आकाश पाताल का गैप नहीं था। जैसे हम सामान्य से व्यक्ति हैं वैसे ही सामान्य से व्यक्ति हैं, जैसे हमारे मन में चलता रहता है, हमको लार टपकता रहता है, उसको उनको भी बहुत लार टपकता था। वो भी जो है वैश्यालय जा चुके थे, भगवान की ऐसी कृपा रही कि जो है गाली वाली दी तो फिर वापस आ गए। आप लोग पढ़िएगा बायोग्राफी,